अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो धूप यार इतनी तेज़ है कि आंखें सही तरह धूप में नहीं खुल रही। तो बाकी ये आ गया हम अपने पिंजरे के पास और परिंदू को खोलने का टाइम हो गया। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें खोला जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम दोस्तों ज़्यादा हो गया उसी वजह से। तो ये चेक कर सकते, भूख भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा लगी होगी क्योंकि थोड़ा सा लेट खोल रहा हूँ उसी वजह से। अभी जब ये सारे बाहर आ जाते हैं फिर इनको दाना वगैरह डाल दूंगा। बच्चे भी निकले हुए हैं, आपको भी चेक करवाएंगे क्या कंडीशन चल रही है उनकी। बाकी शेरा ब्लैक टेल पेयर, इनके दोनों बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं। और ये इस वाले पेयर के बच्चे तो मर गए थे। बाकी ये अमेरिकन, इन्होंने तो अपने अंडे ही तोड़ दिए थे। बाकी शेरा रेसर दोस्तों, इसने दोबारा अंडे दिए हुए हैं। ये दो दोस्तों चेक कर सकते हैं, वो उसकी माँ है, ये इसका बच्चा है। पता नहीं अभी ये मेल है या फीमेल है, इसका पता नहीं है। बाकी दोस्तों ये रहे दोनों ही बच्चे रखते हैं, माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हो रही है इनकी। बाकी इनकी टेले वगैरह आप चेक कर सकते हैं किस तरह टेले निकली हुई हैं। वे माशाल्लाह दोस्तों, उम्मीद है कि कुछ दिन लेंगे ये इनकी फुल अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये चेक कर सकते हैं, दोनों बच्चे सेम लग रहे हैं। जब थोड़े से बड़े होंगे तो फिर इनका पता चलेगा कि किस तरह के हैं किस तरह के नहीं। बाकी शेरे हैं दोस्तों, अंडे चेक कर सकते हैं, करबलाई ने अंडे दिए हुए हैं दोबारा, इनमें से बच्चे निकल आए। तो ये भी थोड़े से छोटे, अभी बाहर नहीं आते, बस इतनी इतनी जगह पे रहते हैं। बाकी दोस्तों शेरा जी हमारा टाइगर आज का, दोस्तों शेरा हाजी टाइगर। इसके नीचे भी दोस्तों दो अंडे हैं, ये भी नीचे बैठा हुआ है अंडों के। तो बाकी शेरा हाजी गंजी फीमेल और बादशाह कबूतर का बच्चा है। इसका कलर पता नहीं, थोड़ा थोड़ा शेड ब्राउन की छोड़ रहा है। बाकी अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका फिर पता चलेगा। माशाल्लाह टेल भी, जो टेल का साइज है ना, सही इस तरह गुच्छा बना हुआ है। काफ़ी बड़ी टेल होगी इसकी लग रहा है। देखिए अब दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर इसका सही पता चलेगा। बाकी उम्मीद है कि ये बहुत कमाल का बच्चा निकलेगा। वेट इसका तो बिल्कुल लाइट है। तो अच्छा दोस्तों, शेरा रेसर कबूतर जो रमज़ान में छोड़ा था दोस्तों उड़ने के लिए, ये तकरीबन 1.5 मंथ बाद घर अपने आ गया दोबारा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अच्छा दोस्तों यार, कब जब छोड़ा था उम्मीद तो नहीं थी, 2 किलोमीटर से छोड़ा था, उम्मीद तो नहीं थी ये दोबारा वापस आएगा, क्योंकि ये 1.5 मंथ बाद वापस आया है। तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम था, ये ऊपर आके बैठ गया हुआ था 1.5 मंथ के बाद। बाकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नस्ल है यार, जो 1.5 महीने के बाद भी अपना घर नहीं भूला, अपना ये एरिया नहीं भूला, इधर आके बैठ गया। जब मैं अचानक ऊपर आया तो मुझे पता चला ये वही बच्चा जो गैब हुआ था, जो किसी ने पकड़ लिया था। तो अच्छा दोस्तों, इसे किसी ने पकड़ा था, उसने आज़ाद इसलिए किया है कि ये बस अब कहीं नहीं जाएगा। बाकी उन्होंने थोड़ा आज़ाद किया है, इनके इसके पर वगैरह खोले हैं तो ये भाग आया इधर ही, जिधर ये पला था, जिधर इसने अपना सारा बचपन गुजारा था। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा अपना बचपन गुजारता है वो भूलता तो नहीं है ना दोस्तों। वो चेक कर सकते हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, अपनी फुल मौज मस्ती में वो चेक करे बोल रहे हैं ऊपर। यही है, अभी इसका पेयर बनाना है, इसके साथ ही फीमेल है। तो अच्छा दोस्तों, इधर दाना डाल देता हूँ यार, भूखे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ बाहर ही डालूंगा, कुछ अंदर डालूंगा, ताकि अंदर इजीली पिंजरे के अंदर चले जाएं। इस तरह जब फुल हो जाएंगे, ये तंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बस इतना ही बहुत ज़्यादा है, बस इतना ही बहुत है, और बाकी अंदर आपको डालूंगा। अजान हो रही है, अजान के बाद मिलते हैं जी। Hey
तो अच्छा यार, अजान तो हो गई है, बाकी में आप चेक कर सकते हैं बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है गर्मी की वजह से। ये बच्चा आप चेक कर सकते हैं किस तरह सांस ले रहा है, गर्मी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि गर्मी की वजह से ये अंदर आ गए हुए हैं। बाहर का इसका माहौल पसंद नहीं आया, इसे ठंडा माहौल पसंद है, तो फाइनली यार ये अंदर आ गया हुआ है। तो बाकी हो रहा है एक पेयर बच्चा उसका नीचे, और तेरा बच्चा तेरे बाप ने पालना है, ये बच्चा है वो दोबारा 200 पेयर अंडों पर आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं उधर जाके उसको उनसे बैठा हुआ है। और बच्चे को फीड वगैरह करवानी है ऊपर, अभी छोड़ो ना, कैसे काम करते हो आप। तो अच्छा दोस्तों यार, ये जो लके कबूतर फैंसी कबूतर होते हैं इनका यही मसला होता है कि बच्चे इनके छोटे छोटे होते हैं, दोबारा अंडे दे देते हैं, और जो पीछे इनके छोटे बच्चे होते हैं इनको पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, छोड़ देते हैं, फिर खुद फीड करवाना पड़ती है। बाकी पानी रखा हुआ है दोस्तों, कुछ ना खा रहे हैं, फुल मौज मस्ती कर रहे हैं, सूरज के बिल्कुल सामने इनको नहाने का भी मज़ा आ रहा है। बाकी एक दो नहाया था बिल्कुल पास आया हूँ चला गया। तो अच्छा यार आप चेक कर सकते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही थी अंदर पिंजरे के था, वो भी चेक करें नहा रहा है। ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों नहा रहे हैं। बाकी वो टाइगर अंडू से उठ के आया हुआ है, ये दाना खाने पानी पीने फिर जाके थोड़ी देर तक बैठ जाएगा। बाकी ये गंजी कबूतरी बादशाह कबूतर, ये दोबारा उम्मीद है कि 5 से 7 दिन में ये इसकी फीमेल ने दोबारा अंडे दे देने हैं। तो बाकी दोस्तों फो रहा जी हमारा रेसर जो 1.5 महीने बाद आया वापिस। ओए सुनाओ कैसे हो, चलो नीचे चलो। बोल रहा था दोस्तों इसके थोड़े थोड़े पार नए हो रहे हैं। तो ओए तुमने अंडू पे जाके बैठ रहे, तुम ना नहाओ तो अच्छी बात है, क्या करते हो अंडे खराब हो जाएंगे ऐसे आपके। तो अच्छा दोस्तों यार गर्मी मौसम चेंज हो गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, बाकी इन्हें करते हैं जी बंद। तो अच्छा दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं जी यही पे ख़त्म, इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिए, दुआओं में याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी हो गया, लव यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़।